जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख खेल संस्थाएं। ठीक, इसमें हम लोग कुछ खेल संस्थाएं पढ़ेंगे, उनका स्थापना ईयर भी पढ़ेंगे और उसका मुख्यालय कहाँ है वो भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SAI शॉर्ट फॉर्म में, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में, याद रखिएगा 1984 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ पे है SAI का, नई दिल्ली में। और आगे बढ़िए, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, देखिए ये तो सभी, ये तो हमारे देश में ऐसा प्रचलन है, सभी लोग जानते हैं BCCI यानी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसका स्थापना कब हुई थी, 1928 में, 1928 में BCCI का हुआ था, गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, मुख्यालय ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली नहीं है, मुंबई है, मुंबई याद रखिएगा, मुंबई है। और BCCI के कितने लोग फुल फॉर्म पता है, आप लोग फुल फॉर्म कमेंट में बताइए, थोड़ा हम जाने कि सही है कि नहीं सही है। ठीक है, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, बताइए एक बार पॉज करके वीडियो बताइए। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, और जिन लोगों का सही हो आप कमेंट में टिक करके बता सकते हैं। चलिए, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, याद रखिएगा BCCI का क्या फुल फॉर्म होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है BCCI का फुल फॉर्म। तो आपको पता चल गया 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय मुंबई में, ध्यान दीजिएगा मुंबई, दिल्ली मत मार दीजिएगा। आगे बढ़िए, हॉकी इंडिया, जिसको HI बोल रहे हैं, हॉकी इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, ध्यान दीजिएगा 2009 में, जल्दी इसकी स्थापना हुई है 2009 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई, याद रखिएगा हॉकी इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, और 2009 इसका अपना स्थापना ईयर है इसका। अब आगे बढ़िए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, कब हुई इसकी स्थापना, 1937 में, याद रखिएगा 1937 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। आगे बढ़िए, भारतीय ओलंपिक संघ IOA, इसकी स्थापना वर्ष कब है, 1927, 10 साल जस्ट बाद 1927। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में, याद रखिएगा दिल्ली और नई दिल्ली में आपको अंतर पता ही है, ये दिल्ली जिसको हम लोग पहले जानते थे और नई दिल्ली जो हमारी राजधानी है उसको बोलते हैं नई दिल्ली। तो कब हुई थी IOA की स्थापना, 1927, और मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, बात समझ में आ रही, IOA का। आगे बढ़िए, अखिल भारतीय टेनिस संघ, जिसको क्या बोलते हैं, AITA, ठीक, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, क्या है इसका स्थापना ईयर, 1920 में। देखिएगा एरो थोड़ा मैच करा लीजिएगा, एरो कहीं भी आपका सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ कहीं भी अलग अलग मत पढ़ लीजिएगा किसी का भी, 1920 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली नहीं, दिल्ली में है, ध्यान दीजिएगा दिल्ली है ये। आगे बढ़िए, भारतीय बैडमिंटन संघ BAT, कब हुई थी इसकी स्थापना, भारतीय बैडमिंटन संघ की, 1934 में, और इसका मुख्यालय कहां पे है, नई दिल्ली में, ठीक, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, BAI का फुल फॉर्म क्या है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म भी देखते चलिएगा, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ सकता है आपसे, ठीक, बाकी आप रिलेट करके देखते चलिए। आगे बढ़िए, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF, कब हुई थी इसकी स्थापना, 1951 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, चेन्नई, देखिए यही थोड़ा डिफरेंट है, याद रखिएगा चेन्नई है इसका मुख्यालय, किसका, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का, ठीक है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है इसका फुल फॉर्म, कहाँ पे इसकी स्थापना, चेन्नई में, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय चेन्नई में। आगे बढ़िए, भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI, ठीक, BFI, इसका स्थापना कब हुई थी आपकी, 1951 में यह भी हुआ था, और इसका मुख्यालय कहां पे है, नई दिल्ली में, ठीक। आगे बढ़िए, बंगाल हॉकी एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कहां पे है, कलकत्ता में, ठीक है, बंगाल हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पे है, कलकत्ता में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1908 में, याद रखिएगा 1908 में, और इसकी स्थापना बंगाल से हिसाब समझ सकते हैं, कलकत्ता में। आगे बढ़िए, एक आपके लिए होमवर्क है, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको AKFI बोलते हैं, आपको सर्च करके ये आपको पता हो तो बताइए, इसका स्थापना वर्ष कब होता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक। आई थिंक मेरी बातें आपको समझ में आई है, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से पढ़िएगा और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।